जी, घूमते घूमते आपका सिलसिला भोपाल पहुंचा। भाजी, भोपाल शहर तमाम खूबियों से लैस है, इसके बारे में जो कुछ भी कहा जाए थोड़ा कम। आबो हवा के मामले में कहा गया देश का सबसे अच्छा शहर है, जो बीमार हो यहाँ आए और स्वस्थ होकर चले जाएं, तो ये शहर की खूबी है। साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज भोपाल में मौजूद हूँ बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए, तो बातचीत करेंगे, थोड़ा ऑडियो काम करेंगे भाई जी, तो बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हमारे मेहमान हैं उनसे हम तारुफ भी आपका करा दें, क्योंकि खास मेहमान आज हैं, तो जिनसे तारुफ कराना बहुत जरूरी। जो हमारे साथ हैं मुकेश नायक जी, जो कि यहाँ पर कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी आप बताएंगे क्या है। विश्वास सारंग साहब मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हाँ, इंटरनेशनल फेम, देश दुनिया में भारत का नाम, भोपाल का नाम रोशन करने वाले बंदर भोपाली साहब, शायर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एकमात्र आप ही मेहमान हैं हमारे आज के, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत नहीं, वो तो रोज आते हैं हमारे यहाँ, चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन आज आप चेहरे के साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया बंदर भोपाली साहब। श्री ललित शास्त्री जी, सपाक्स नेता मौजूद हैं, और आपके बारे में परिचय कराएंगे। आपको तो टिकट विकेट हो गया, पक्का भी हो गया, चुनाव लड़ने वाले हैं जी, अभी फिर डेट नहीं आई है। नहीं, सब कुछ पक्का हो गया, घोषणा हो गई जी। बुधनी से चुनाव लड़ रहा हूँ। कहाँ से लड़ रहे हैं? बुधनी से। वह तो मुख्यमंत्री लड़ते हैं। हाँ, तो आप उनसे? मैं बुधनी से लड़ रहा हूँ। लोग कह रहे हैं कि मुझे क्या पता कि बुधनी में कौन खड़ा होगा, वो तो पता नहीं। तो मुख्यमंत्री की सीट है, मैंने बुधनी चुन ली। आपने चुन ली? बस। तो लोग कहते हैं कि आत्महत्या? नहीं नहीं, काहे को, ये तो डेमोक्रेसी है। हाँ, वो जो जनता कहेगी वही। क्या बात है साहब, बहुत 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 बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। बड़े कद्दावर नेता के साथ खिलाफ लड़ना वो भी एक जिदारी है, बहुत बहुत शुक्रिया। हार जीत तो लगी रहती है। विजय सोनी साहब मौजूद है हमारे साथ, जो कि व्यापारी नेता है, बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम लोगों का परिचय कराते कराते रोज हमारे पास लिस्ट आती है, हालांकि ब्राह्मण समाज से भी चंद्रशेखर तिवारी जी मौजूद हैं जी। तो आप ब्राह्मण समाज, कल करणी सेना हमारे साथ थी और आज ब्राह्मण सेना हमारे साथ। बिल्कुल, सारी सेना इस वक्त आपके साथ है। तलवार उलवार लाए हैं? आए जो चाहो ब्राह्मण के पास। अरे बचाए रहना, श्रीवास्तव जी की नजर मेरे ही ऊपर है, काम करता है। श्रीवास्तव जी की नजर मेरे ही ऊपर है, बचाए रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम वो सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं उन सबका मैं स्वागत करता हूँ। और शो शुरू करने से पहले बस एक दो चीजें जो कि मैं कहता हूँ, वो ये कि ये शो जो है नेताओं का नहीं है, नेता इसमें सिर्फ आते हैं, ये शो सिर्फ जनता का है और जनता अपनी बात कहती है। उसी के लिए चाहे मैं कनॉट प्लेस दिल्ली में रोज खड़ा होता हूँ, और चाहे इलेक्शंस के समय में या वैसे दुनिया के देश के तमाम कोने में घूमता हूँ, वो सिर्फ इसीलिए कि आपकी बात उस मंच के जरिए पहुंचाई जाए। कहते भोपाल में पान का बड़ा जोर है जी, बना दिया है जी जी साहब, बनारसी, बनारसी और ये बड़ा मशहूर जगह है जहाँ पे मैं मौजूद है, तो चूना भी यहाँ पे सुना बड़ा खास लगाया जाता है। नेताजी बहुत लगाते हैं चूना यहाँ जी, और मुझे बताया कि यहाँ पे लोग चूना ऐसे लेके खाते रहते हैं, चूना खाते रहते हैं और लगाते रहते हैं। क्या बात है, तो नेता यहाँ चूना लगाने वाले हैं? बहुत 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 जानदार तरीके से लगाते हैं नेता चूना जी। तो मैं देखूंगा कि किसने कितना चूना लगाया जी। साहब श्रीवास्तव जी यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनका भी स्वागत करना चाहता हूँ जी, बिल्कुल स्वागत करना चाहता हूँ। और मैं तो बल्कि आप कह रहे थे आलोक जी कि क्या शो कर रहे हैं, तो शो तो यही है। और आलोक जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज तमाम सारे लोग हमारे नेताओं से पूछते हैं, मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका भी कोई दुख दर्द है जो बयां करना चाहते हैं? निश्चित रूप से पुलिस का जो दुख दर्द है, हम लोगों को रात दिन हम लोग काम करते हैं, एक एवरेज पुलिस वाला 15-16 घंटे काम करता है, लेकिन रिकग्निशन नहीं है। जनता हमेशा पुलिस को निगेटिव छवि ही देखना पसंद करती है, जो हर पुलिस वाले को जो महसूस होता है कि कहीं ना कहीं हम लोग काम करते हैं, हम लोग भी वर्दी के अंदर इंसान ही हैं और हम लोग भी रिकग्निशन चाहते हैं, पुलिस पॉजिटिव काम करती है। क्या बात है, सच है। और ये बात आलोक जी आपकी सच है कि 13-13, 14-14 घंटा काम करना आसान नहीं है, बहुत बहुत मुश्किल काम है। आपका स्वागत करता हूँ, बैठिए, तशरीफ रखिए, कोई बात आए बीच में, वैसी नहीं, वैसी वाली बात नहीं, जब आपको लगे बोलना है तो जरूर बोलेगा। बंदर भोपाली साहब से मैं तरफ जाना चाहता हूँ, ये बात लंबी हो जाए और फिर सिरा ना मिले, उससे अच्छा है कि आपके पास आया जाए। और मैं चाहूंगा कि जो मौजूद है, जो तमाम बातें हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं बयां कर सकता। तो जनाब
मंजर भोपाली साहब जी। मैं समझता हूं कि आज ये हमारे भोपाल में आपका स्वागत है, हमारे दो बड़े लीडर यहाँ इस वक्त, यूँ तो सभी लोग होंगे मगर ये विश्वास सारंग साहब जो इस शहर के बड़े जिम्मेदार हैं और इनसे उम्मीदें भी हैं शहर वालों को, और दूसरे मेरे बहुत ही मोहतरम और बहुत अहम शख्सियत है मुकेश नायक साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, वो तो सियासी गुफ्तगू करेंगे, मैं एक शायर हूँ तो शायर की हैसियत से आपसे बात करूँगा। इरशाद साहब, मैं एक गीत सुनाता हूँ जो मेरी पीड़ा है, मेरे लोगों की पीड़ा है, पूरे हिंदुस्तान के लोगों की इस वक्त परेशानी है सबसे अहम जी। मैं किसी दल से कोई ताल्लुक मेरा नहीं है, मैं एक शायर हूँ, शायर की हैसियत से एक गीत आपके जी साहब जी पेश करना जी। बाबर बाबा ये महंगाई, हाय कयामत हम पर आई, सलमा बोले हाय रे अल्लाह, राधा बोले राम दुहाई। क्या बात है कि महंगाई, बाबर बाबा ये महंगाई, मुन्ना मांगे अगर खिलौना, यार मुझे आता है रोना, बेटी की शादी करने को कहाँ से लाऊं चांदी सोना, मुन्ना मांगे अगर खिलौना, यार मुझे आता है रोना, बेटी की शादी करने को कहाँ से लाऊं चांदी सोना, गिरवी हुए सब घर के बर्तन, बिक गया सोफा बिछी चटाई। बाबरे बाबा ये महंगाई, बाबरे बाबा ये महंगाई। दूसरा छंद देंगे जी। रोटी बन गई एक छलावा, पेट में पकता भूख कलावा, छिन गए अपने मुंह से निवाले, कैसी मिठाई कैसा मावा, रोटी बन गई एक छलावा, पेट में पकता भूख कलावा, छिन गए अपने मुंह से निवाले, कैसी मिठाई कैसा मावा, हम पानी को तरस रहे हैं, नेता खाए दूध मलाई। बहुत अच्छा, बहुत खूब, मैं आता हूँ आपके पास। वाह जनाब, नेता खाए दूध मलाई, इसी लाइन पर लोगों को मजा आया, आया कि नहीं आया साहब? बहुत मजा आया, बहुत अच्छा। नेता दूध मलाई खा रहे हैं, सच्चाई है ये, सच्चाई यही है। हाँ, सच्चाई सच्चाई क्या है जनाब, हरिए जाने दीजिए, जनता ही सच्चाई बताती है। दूध मलाई कौन खा रहा है? नेता ही खा रहे हैं। अच्छा, और जनता? जनता मर रही है। वो मर रही है, जनता तो पागल हो गई, वो दूध मलाई खा रहे हैं आराम से बैठ गए। क्या बात है, तो दूध मलाई वालों के चेहरे अब दिखाई जाए, अब दिखा दिया जाए पाजी, तो दूध मलाई वालों के पास चलते हैं जी। अरे भाई जाना तो पड़ेगा ही, बगैर ये शो ने हो ही नहीं सकता। जनाब आली, मैं आपको खड़ा करना चाहता हूँ, विश्वास साहब, ये जानना चाहता हूँ कि महंगाई बड़ा मुद्दा और एक ऐसा मुद्दा जिससे तमाम सारे लोग जुड़े और तमाम सारे लोग महंगाई को लेकर कह रहे हैं कि सरकार इस मुद्दे पे फेल, आप 10 में कितने नंबर दे रहे हैं? देखिए, यदि आप केंद्र की सरकार की बात करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लगता है आपने जो शुरुआत की है शो की, वो बड़ा लाइट से एकदम आप भारी की तरफ ले जा रहे हैं। भारी से हल्का भी हो जाएंगे थोड़ी देर में। और मुख्य मुद्दा यह है, देखिए प्रतीक जी, कि हमें किसी 3-4 साल के कार्यकाल को लेकर महंगाई पर हम बात नहीं कर सकते। आप भी जानते हैं, आप भी समझते हैं और मुझे लगता है जनता भी समझती है, 50-55-60 साल की जो डिरेल रेल है, जो पटरी से उतरी हुई है, उसको फिर से पटरी पर लाना एक बड़ा टास्क है। पर मैं ये ताकत के साथ कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को पूरी शिद्दत के साथ, पूरी दमदारी के साथ और पूरी निष्ठा के साथ लागू करने का प्रयास किया। और आप देखिए, आप देखते हैं, यदि हम जीडीपी की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो उसके अच्छे रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं। जैसा मैंने कहा, 60 साल मैं आऊंगा आपके पास, अच्छे रिजल्ट आना शुरू हो गए, तो आप प्रतीक्षा में थे बैठे हुए इतनी देर से। अब अच्छी अर्थव्यवस्था का तो ये हाल है कि रुपया की कीमत और मोदी की कीमत में कौन ज्यादा घट रहा है, इसके लिए होड़ लगी हुई है देश में।
आते जाते देखिए वो हल्का भारी कह रहे थे, भारी हो गया। पूरे मध्य प्रदेश का ये हाल है कि अक्टूबर से ओवरड्राफ्ट होने वाला है। जितने टेंडर हुए थे मध्य प्रदेश में पीडब्ल्यूडी में इरिगेशन में, सब कैंसिल करना पड़े। तीन तीन साल से ठेकेदारों का भुगतान नहीं हुआ है। और मुख्यमंत्री जी जो विकास यात्रा निकाल रहे हैं, ये विकास यात्रा जनता के विकास की यात्रा नहीं है, ये यात्रा बीजेपी के नेताओं की विकास की यात्रा। आपके भी नेता तो निकाल रहे हैं यात्रा। हम तो 15 साल से विपक्ष में हैं, और इन 15 सालों की जब हम बात करते हैं तो ये 50 साल की बात करने लगते हैं। और आपने ऐसे काम किया कि आप 15 साल पीछे चले गए। हम नहीं नहीं देखिए, हमने ऐसा काम नहीं किया। ये मध्य प्रदेश में जो बीजेपी का मैनेजमेंट है ना, ये लोकप्रियता पे बहुत भारी पड़ता है। ठन 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 ठन। मैं आया नेताओं के पास। जी जनाब अली, क्या नाम है? ऑफ कोर्स जी जी। मेरा यहाँ पे ये कहना है कि ये जो दोषारोपण की बात है, एक दूसरे पे ये सब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, शुद्ध हवा, पानी, बिजली, इसकी बात होनी चाहिए भाई। 24 घंटे पानी दो, 24 घंटे बिजली दो, लोगों को रोजगार, तो ये बात होनी चाहिए। हम लोग फ्रंट पे, ये सरकार फेल या पास? देखिए, इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। क्यों हो गया, बंदिश है क्या? नहीं, जनता को डर लगता है बोलने में। अच्छा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। मैं किसी दल का नहीं हूँ, लेकिन जो लोग मर गए इसी डर के कारण, इसलिए डर भी है, भय भी है। अच्छा, मुझे नहीं डर लगता, देखो बार बार माइक उधर ही ले जाता। और आप देखेंगे ये सरकार को कैसे डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन जो बेसिक मुद्दे हैं उन पर बात होनी चाहिए। बाकी कौन क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, इससे मतलब नहीं है। 24 घंटे पानी दो, बिजली दो, इसकी बात होनी चाहिए भाई। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मंजर साहब, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, और मैं एतबार न करता तो और क्या करता। वाह साहब, क्या बात है। ये शहर कह रहे भाई ना बोलिए ना बोलिए। अरे बोलिए क्यों ना, इधर 150 लोग, 200 लोग, 500 लोग खड़ा इकट्ठा हुए हैं बोलने के लिए, तो इकट्ठा हुए हैं। कहिए जनाब अली, मैं आया, मैं ऑफ कोर्स मैं आई एम कमिंग। जी जी, आप तो सेना बना ली है आपने? बिल्कुल। घोड़ा उड़ा तैयार कर लिया होगा आपने? घोड़ा, बग्गी, चाबुक सब तैयार कर लिया है। और दोनों राजनीतिक पार्टियों के लिए विकल्प भी चुनने को तैयार हो गए हम। क्योंकि एट्रोसिटी एक्ट जो आया, भारत मुल्क पे भी बात कर लिया करो, कहे के ब्राह्मण सेवा करनी। मुल्क की ही तो बात कर रहे थे भैया जी, अभी तक तो मुल्क के ही लिए मरे जा रहे थे। लेकिन जब 6 साल हमको बिगैर जमानत के जाना है जेल में, तो पूरा हिसाब किताब करके ही जाएंगे अब की बार। अब जब बेगर दलील के ही FIR करानी है हमारे खिलाफ, तो प्रसाद पानी भी लेके ही जाना, पूरी पूजा करा के जा, जेल जाना है। हाँ, जेल जा, 6 साल के लिए जब कैद होना है, तो नाश्ता भी कर और टीका भी लगवा ले और प्रसादी भी ले ले, पीछे पीठ भी लाल करा ले, जेल तो जाना ही है। बैठिए बैठिए बैठिए, ऐसा ना करिए। मैं तो कहा से मुल्क के लिए कोई, मैं आया आपका, आपके सवाल बहुत जबरदस्त था। आपका तो पार्टी ने डिक्लेयर कर दिया आपको तो चुनाव लड़ना, आपका आपका मुद्दा है, फिर मैं जनता की तरफ रूबरू होता हूँ। देखिए, मुद्दा ये है कि अभी मेरे साथी ने कहा कि रोटी, कपड़ा, मकान, पानी मिले, स्वच्छ आबो हवा मिले, ये उनकी डिमांड थी। मेरे को ये कहना है कि इस देश में कानून का राज होना चाहिए, संविधान में जो मौलिक अधिकार मिले हैं बराबरी के, उनका पूरी तरह पालन होना चाहिए। पर जिस तरह से वोट बैंक की पॉलिटिक्स, जात पात के नाम पर आरक्षण की पॉलिटिक्स, लोगों को जेल भेजने वाली पॉलिटिक्स, डरा धमका के शासन करना, ये भारत की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसका पहला उदाहरण मिला जब 6 तारीख को भारत बंद हुआ, तो मध्य प्रदेश में 100% बंद रहा। ये लोगों ने स्वयं किया, उन पर कोई जोर जबरदस्त। तो आप भी चुनाव लड़ेंगे? चुनाव तो अवश्य हमारी पार्टी लड़ेगी। लड़ेगी आरक्षित समाज पार्टी? आरक्षित समाज पार्टी लड़ोगे चुनाव? अरे लड़ जाए यार, सभी लड़ रहे हैं, तुम भी लड़ जाओ। जरूर लड़ेंगे अपने समाज के लिए। नहीं, मैं ऐसा कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं हूँ। क्यों? लेकिन डर लगता है? नहीं, तो अच्छे आदमी आओ, तुम भी आओ, लड़ो चुनाव। नहीं, अच्छे लोग आ रहे हैं और राजनीति में है भी, लेकिन समाज के लिए जो जो काम हो रहे हैं, बहुत बेहतर काम हो रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ लोग डर रहे हैं और लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा है। ऐसा होता तो ये बोल पाते क्या? नहीं नहीं बोल नहीं पाते। बोल पाते? नहीं 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 बोल पाते, बिल्कुल नहीं बोल पाते, कभी नहीं बोल पाते। लेकिन ये जो एक माहौल बनाया जा रहा है कि लोगों को डराया जा रहा है, लोगों को इस तरह की। बैठिए पाजी, आता हूँ। तो कौन डर रहा है, कौन नहीं डर रहा, मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन जनाब बोलने की बारी है, ये तो बोला जरूर जाएगा। और 15 साल का हिसाब मांगिए, चाहे 5 साल का हिसाब तो जरूर मांगिए।
देखिए हिसाब तो जनता दे देती है जी चुनाव में जी, मगर यहाँ पे जो बोले ना महंगाई डर ये सब मुद्दे नहीं है, मुद्दे सिर्फ एक है सत्ता का। अच्छा 15 साल से कांग्रेस सूखी है, पेट खाली हो गए सबके राइट, तो वो लगी हुई है तरीके से, पहले दलित हमारा खतरे में है, फिर हमारा सवर्ण खतरे में है, फिर गरीब खतरे में है, किसान खतरे में है। यहाँ पर कितने पिछले 3 साल में 4 आंदोलन हो गए कांग्रेस के, पहले इनने बस जलाई किसान आंदोलन में, मैं खुद किसान हूँ इसलिए मेरे को दर्द है इसका कि इन्होंने बस जलाई राइट। अभी इल्जाम ना लगाइए साहब, इल्जाम तो है इनके नेता दिखे हाथ में मशाल। आप अपनी बात कहिए, मैं ये एक एक मैं एक बात आपसे गुजारिश करना चाहता हूं। मैं आपके शहर में हूं, मैं नहीं जानता आपको, लेकिन मैं एक जानता हूं, इल्जाम ना लगाइए, मुद्दे पे बात कहिए। मुद्दा ये है कि जनता आपकी सत्ता के लिए जो आप भी कर रहे हैं जो कुछ करें जनता को त्रस्त नहीं करें, जनता को परेशान नहीं करें, जनता को परेशान ना करें। तो कांग्रेस परेशान कर रही जनता को, बिल्कुल की है, और मैं बीजेपी भी कर रही है, ऐसा नहीं ये नहीं कर रहे हैं, ये भी दोनों कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं। हाँ जी आया, मैं आया हेडलाइन के लिए आ रहा हूँ। हाँ जी एक चीज लोगों को अप्रिशिएट भी करना चाहिए, जैसे लोग झूठ बोलते हैं यहाँ पे महंगाई का, 11% महंगाई थी 2013 में, आज 3.9% है खुदरा मूल्य दर, तो ये क्या फैक्ट कहाँ से आते हैं, कमी हुई है ना महंगाई, तभी तो यहाँ तैयारी के साथ आते हैं लोग भाई भैया जी। हाथ मुझे मालूम है धीरे धीरे ऑफकोर्स हाथ ऊपर होने चाहिए जिसको सवाल पूछना है। जी जी मैं अरे आ रहे हैं हेडलाइंस पे, ब्रेक पे भी आ रहे हैं मेरे भाई, मुझे मालूम है तुम्हारी रोटी का भी इंतजाम करना है, लेकिन पहले जनता का तो पूछ लूं। जी मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, कब तलक सहोगे बेबसी की भूख प्यास को, जी कब तलक सहोगे बेबसी की भूख प्यास को, फूंक दो इस सड़ी गली व्यवस्था की लाश को, एक बार और पढ़ो क्रांति के इतिहास को, गांधी के वतन में अब आवाज दो सुभाष को। क्या बात, मुझे लग रहा है अब धीरे धीरे भोपाल जाग रहा है। नहीं, जाग गया है। वक्त है छोड़ दे, ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर आते हैं वक्त पे, हेडलाइंस का, हेडलाइंस पढ़ी और फिर वापस। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि विजय माल्या को देश से भगाने में जेटली का हाथ था, क्योंकि माल्या ने भागने से एक दिन पहले जेटली से मुलाकात की, फिर भी जेटली ने सीबीआई और ईडी को अंधेरे में रखा। आरोप लगाया कि राहुल गांधी और माल्या की जुगलबंदी है, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने माल्या को बार बार लोन दिया और छूट भी दी। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता सिर्फ एक परिवार के लिए मेहनत करते हैं। जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ में 8 आतंकी आज मारे गए, जज्र कोटली